कुछ ऐसा दिख रहा है, देखिए एकदम स्पोर्ट्स बाइक, तो ऐसा कुछ ये दिखने वाला है। देखिए सो वेलकम व्यूअर्स टू अनदर ब्लॉग ऑफ वाइल्ड स्टैलियन व्लॉग्स। तो आज है और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं अपना एक्सपल्स 4V में डिडॉस स्पीड स्टॉप का टेल टाइडी। तो अभी इंस्टॉल करेंगे, तो आप लोगों को दिखाएंगे कैसे इंस्टॉल किया जाता है एक्सपल्स पे ये टेल टाइडी। आप लोगों को मैं टेल टाइडी भी दिखा देता हूँ, उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा टेल टाइडी एक्सपल्स का, काफ़ी हेवी मटेरियल का है और ये एलॉय टाइप का मटेरियल है, लोहा नहीं है, ये एलॉय टाइप का है मटेरियल। तो मटेरियल काफ़ी अच्छा है, प्रीमियम लग रहा है छू के। और इधर में देखिए ये रहा आपका इंडिकेटर का होल और ये ऐसा ही फिट हो जाएगा ओरिजिनली। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं अभी, लेट्स गो। सो अभी हम लोग इसे अनइंस्टॉल करेंगे और अनइंस्टॉल करने से पहले इसे इसका सीट खोलना पड़ेगा। पहले सीट खोलते हैं, उसके बाद बाकी सब खुला जाएगा। ये जो हम लोग खोल रहे हैं, खोलने के लिए पहले ये 10 नंबर से ये कवर खोलना पड़ेगा और इधर में स्क्रू भी है और उसके बाद ये वाला चीज़ भी खोलना पड़ेगा। ओवरऑल साइड का ये सब खोल के उसका बाद ही निकाला जाएगा और जैसे जैसे होगा मैं दिखाते जाऊंगा। ओपन हो चुका है और अभी हम लोग को ये वाला जो है स्क्रू, ये स्क्रू खोलना पड़ेगा। देखिए व्यूअर्स, वो दोनों साइड में दो दो चार स्क्रू खुलते ही ये लाइट खुल गया और अभी इधर का जो कनेक्शन है लाइट का वो खोल देना पड़ेगा। लाइट का कनेक्शन तो मैंने खोल दिया है, ये देखिए ये सीट का नीचे रहता है। और अभी आपको ये जो लॉक है सीट लॉक, ये भी खोलना पड़ेगा। ये खोलने से ही ये अलग हो जाएगा, उसके बाद हम लोग ये वाला एरिया खोलेंगे। तो ये वाला पोर्शन देखिए खुल चुका है और अभी ये बचा है। तो इसको खोलने के लिए यहाँ पर देखिए इधर पे भी 8 नंबर का स्क्रू है और ये नीचे में भी है, ये सबको खोलना पड़ेगा। तो ये सब हम खोल लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को मैं दिखाऊंगा एकदम ओपन हो जाने के बाद कैसा दिखता है। काफ़ी सारा चीज़ इधर में खोलना पड़ेगा, जैसे इंडिकेटर वगैरह सब कुछ खोलना पड़ेगा। तो धीरे धीरे खोलते हैं, खोलने के बाद मैं दिखाऊँगा आप लोगों को ये कैसा दिख रहा है अभी बाइक। व्यूअर्स देखिए कंप्लीट टेल जो है वो निकल चुका है और अभी बाइक कुछ ऐसा दिख रहा है, एकदम स्पोर्ट्स बाइक का जैसा जो डार्ट में खेलता है वैसा दिख रहा है। तो अभी क्या है, अभी ये जो सारा सामान है, ये जो सामान है इंडिकेटर नंबर प्लेट, फिर ये जो नंबर प्लेट का लाइट है, ये हर चीज़ इसमें फिट करना पड़ेगा। फिट करने के बाद फिर हम लोग ये चीज़ वहाँ में बाइक में फिट करेंगे। और एक चीज़, ये जो प्रोडक्ट है एकदम एक्सपल्स के लिए ही बना है, तो इसलिए आपको इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करने का ज़रूरत नहीं है। ये डायरेक्टली आपका ऐसे ही लग जाएगा। देखिए इधर में नट बोल्ट ऐसे ही लग जाएगा और एकदम
ओरिजिनल फिट जैसा हो जाएगा। और मेरा भी एक्सपर्स में ये था, ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का जो सबसे खासियत है, आप अगर बारिश में भी बाइक चलाएंगे तो जो पीछे में बैठा होगा उसका ऊपर मड वगैरह नहीं जाता है, ये एकदम बढ़िया से फिटिंग्स हो जाता है, इधर में एकदम मिला हुआ है और काफ़ी अच्छा भी लगता है बाइक, एक स्पोर्टी लुक आ जाता है बाइक में। बस अभी फिटिंग्स का प्रोसेस चालू करते हैं, इसमें से सारा जो चीज़ है वो आपका इधर में फिटिंग करते हैं, फिटिंग करने के बाद बाइक में इंस्टॉल करते हैं। नंबर प्लेट लास्ट में करूँगा, नंबर प्लेट अभी नहीं करेगा, तो अभी सिर्फ इंडिकेटर और जो नंबर प्लेट का लाइट वगैरह है वो सब इसमें फिट करूँगा, फिट करके इधर में इंस्टॉल करूँगा। तो आप लोग प्रोसेस देखते रहिए। तो ऐसा कुछ ये दिखने वाला है, देखिए मैंने जस्ट अभी एक नट लगाया, बाद में इसको एकदम कंप्लीट करेंगे। तो ऐसा दिखने वाला है कुछ, और काफ़ी अच्छा लुक्स आने वाला है बाइक का। बाकी सारा सामान फिट करते हैं धीरे धीरे और फिर आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। जो पोर्शन है ये कंप्लीट हो चुका है अभी, सिर्फ ये बॉडी पार्ट्स और नंबर प्लेट लगना बाकी है, बाकी एवरीथिंग इज कंप्लीट। तो अभी सारा बॉडी पार्ट्स फिट करते हैं, फिट करके फिर एक बार लुक्स दिखाएंगे। और हाँ, नंबर प्लेट भी इधर से हम लोग को खोलना पड़ेगा, इधर से खोल के यहाँ पे टेम्पोरारी अभी लगाएंगे स्क्रू देके, और कल मैं प्रिंस जाके इसमें रिपीट लगा के आएगा तो चीज़ कम्प्लीटली लीगल हो जाएगा। तो बाइक बनके तैयार हो चुका है, ये देखिए फाइनल लुक्स, और ये रहा शॉर्ट टेल टाइडी, काफ़ी बेहतरीन लुक्स आ रहा है और आता भी है ये लगाने से। काफ़ी बेहतरीन लुक्स आ रहा है ये टेल टाइडी लगाने से, देखिए पूरा स्पोर्ट्स लुक। तो यही था आज का वीडियो, होप करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और यही होता है एक्सपल्स का जो टेल टेडी लगता है वो लगाने का प्रोसीड्योर। तो अभी लग चुका है बाइक, पूरा कंप्लीट हो चुका है, अभी सिर्फ नंबर प्लेट लगाना ही बाकी है, जो कि मैं इधर अभी खोल दूँगा, प्रिंस कल जाके रिपीट लगा लेगा तो कंप्लीट प्रोसीड्योर ओके हो जाएगा।
तो व्यूअर्स आज नेक्स्ट डे है और देखिए प्रिंस नंबर प्लेट लगा के आ चुका है। जो बैक लुक है एक्सपल्स का काफ़ी इम्प्रेसिव आ रहा है। तो यही आप लोगों को दिखाना था कि ये लगाने के बाद नंबर प्लेट जब लग जाता है तब बाइक कैसा दिखता है। तो बैक साइड से काफ़ी स्पोर्टी लुक आ रहा है बाइक में, बढ़िया चीज़ है, बढ़िया लुक है। ये देखिए यही ब्रांड का जो टेल टाइडी है, काफ़ी अच्छा टेल टाइडी है और काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है और दाम भी एकदम रिजनेबल है। तो आप लोग अगर चाहे तो ये लगा सकते हैं, प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। तो व्यूअर्स यही था। तो बैंडिडास पिट स्टॉप का यही ये प्रोडक्ट है जो कि काफ़ी इजीली अवेलेबल भी है ऑनलाइन में और काफ़ी सस्ता भी है, बट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग व्यूअर्स, लेट्स मीट नेक्स्ट टाइम ऑन अनदर व्लॉग। थैंक यू।